नमस्कार। आज हम एक बार फिर बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की। जाहिर सी बात है कि अरविंद को भी लगातार खबरों में बने रहना बहुत पसंद है और वो कुछ कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं कि वो खबरों में बने रहें। पिछले जब से उनके दो बड़े सिपहसालार सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में हैं, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल थोड़े से अलबलाए हुए हैं। उनको कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, हालांकि ये उनके साथ समस्या बहुत पहले से रही है। उनको अपनी भाषा, अपनी ज़बान पर कंट्रोल बहुत पहले से नहीं रहा है। वो इस तरीके की अभद्र भाषाएं बोलते रहे हैं, लेकिन अब कुछ ज़्यादा बोलने लगे हैं। सदन में भी बोलते हैं, सदन के बाहर भी बोलते हैं। हम लोग कई बार उसकी चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल उनके हालिया बयान पर है। अभी वो दो दिन पहले राजस्थान में एक रैली कर रहे थे। वह राजस्थान में भी प्रदेश का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसकी तैयारी में सारी पार्टियां लगी हैं। और वहां पर चूंकि वो इलाका, इनका बहुत सारा इलाका पंजाब से जुड़ा हुआ है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है, तो इनको लगता है कि राजस्थान में भी इनकी अपनी पकड़ बननी चाहिए, तो वो कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। तो राजस्थान में रैली कर रहे हैं, श्रीगंगानगर में उनकी एक रैली थी। रैली में पहुँचे, अब रास्ते में विरोध हुआ या उनका काला झंडा उनको दिखाया गया, क्या हुआ, ये सारी बातें स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई। लेकिन मंच पर पहुंचने के बाद केजरीवाल ने जो बातें कही वो आप सब लोगों ने सुनी होगी। नहीं सुनी तो आप जानिए कि केजरीवाल ने क्या कहा। वो एक तरीके से अशोक गहलोत की सरकार पर कटाक्ष कर रहे थे, उन पर कमेंट कर रहे थे, उनको कटघरे में खड़ा कर रहे थे, लेकिन जो भाषा थी उनकी वो भाषा बहुत ही खराब थी। हम भाषा पर बाद में आएंगे। हालांकि वो भाषा हम आपको बता दें, जब उन्होंने ये कहा मंच से कि जिस तरीके से गहलोत जी ने पूरे शहर में विज्ञापन के बड़े बड़े बैनर होर्डिंग पार्ट दिए हैं, अगर ये 5 साल तक काम करते रहते तो ये नीच हरकत करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये उनके बयान है। ये फंस गया सी है। देखिए, उनकी भाषा बयानों पर हम बाद में बात कर लेंगे। आज हम जो बात करना चाहते हैं वो ये कि जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं अशोक गहलोत को कि विज्ञापन पर आपने इतने खर्च किए हैं, अगर आप काम करते तो ये खर्च करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती, तो दरअसल अरविंद केजरीवाल के विज्ञापनों की क्या स्थिति है, इस पर आज हम एक छोटी सी बातचीत आपके साथ कर लेते हैं। देखिए, 2013 में पहली बार इनकी सरकार बनी, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, 15 साल से शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली में, और 13 में बनी, बहुत कम समय के लिए बनी, उसके बाद सरकार उनकी चली गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और फिर 15 में दोबारा ये सत्ता में आए। 2013 में जब शीला दीक्षित की सरकार थी और चुनावी साल था, उस साल शीला दीक्षित की सरकार ने दिल्ली में जो खर्च किया विज्ञापन पर वो तकरीबन 11 करोड़ रुपए खर्च किए 2013 में। और 2013-14 में, मतलब अगर आप चूंकि विज्ञापन 12-13 में 11 करोड़ और 13-14 में चुनावी साल भी था और उसके बाद इनकी भी सरकार आ गई थी, जो 45 दिन की इनकी सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार और इनकी सरकार, इन सब ने मिला करके जो खर्च किए थे वो तकरीबन 25 करोड़ रुपए थे 13-14 में। अब आइए आप 21-22 और 22-23 की बात कर लेते हैं, जो हालिया सालों में। तो अगर हम उनका आंकड़ा देखें तो 21-22 में, 2021-22 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में विज्ञापन पे जो खर्च किए, एक आरटीआई की रिपोर्ट है ये, आरटीआई में जो हवाले से जो जानकारी मिली है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो खर्च था 488 करोड़ और 22-23 में वो बढ़ के पहुंच गया 630 करोड़। तकरीबन अगर हम इस 22-23 के आंकड़े को देखें तो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए, 1.72 करोड़ से ज्यादा ये रोजाना विज्ञापन पे खर्च करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दिल्ली में 2.5 करोड़ की लगभग आबादी है,
और उस आबादी पर ये तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए रोज विज्ञापन पे खर्च करते हैं। ये आरटीआई का आंकड़ा है, मतलब इनकी सरकार के जो इनका जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसी ने ये रिलीज किया है। देखिए, ये तो एक कहानी है, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। और जब इनके आप अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा कि कुल मिलाकर के सरकार के पैसे का दुरुपयोग अगर इस देश में किसी सरकार ने, राज्य की सरकारों ने सबसे ज़्यादा किया है, तो उसमें अरविंद केजरीवाल पहले नंबर से 10वें नंबर तक है। उसके बाद किसी की बारी आती है। जैसे हमने आपको बताया कि 2021-22 में 488 करोड़ और 22-23 में 630 करोड़ ये इनका खर्च है। अब एक और दिलचस्प आंकड़ा आपको मैं बताऊं। 2020 में हम सब लोग जानते हैं, जब कोविड पूरी दुनिया में कोविड फैला था और कोविड का समय था, उस वक्त दिल्ली में कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे थे, इनकी सरकार भी कर रही थी। तो एक बायो डिकम्पोजर का एक आविष्कार पूसा इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली में है, उसने किया। और उस पे जो खर्च आया, मतलब उस पे छिड़काव पे, जो बायो डिकम्पोजर के जरिए पूरा छिड़काव हुआ पूरे किसानों के फसलों पर को बचाने के लिए, बहुत सारी बातें ये करते थे कि इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, फसल बचेंगे। देखिए, दिल्ली के कुछ इलाकों में गांव आते हैं जहां किसान हैं, तो ये उनके दायरे में आता है, उस पर भी मैं भी आऊँगा। तो उसमें बायो डिकम्पोजर पे जो छिड़काव पे खर्च हुआ, वो खर्च था 68 लाख रुपये। और उसका जो प्रचार किया इन्होंने 21-22 में, 22-23 में, 20-21 में, 21-22 तो मोटा मोटी मान लीजिए कि कोविड में ही हम फंसे हुए थे, उस दौरान भी उसका जो विज्ञापन किया इन्होंने वो तकरीबन था 23 करोड़ रुपए। 68 लाख रुपए के काम के लिए 23 करोड़ रुपए इन्होंने विज्ञापन पे खर्च कर दिए, और उससे जो फायदा हुआ वो महज 955 किसानों को उसका लाभ मिला। अब 23 करोड़ रुपए जो इन्होंने विज्ञापन पे खर्च किए, अगर वही उन 955 किसानों को बांट दिया होता तो उनकी तकदीर बदल जाती। अब आप सोचिए कि किस किस्म का ये व्यक्ति पैसे का दुरुपयोग करता है, और राजस्थान में जाकर के वहां की एक सरकार को, जो विरोधी दल भी कहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है, उस सरकार पर जाकर ये गलत तरीके से आरोप लगाते हैं, और जबान तो इतनी गंदी है कि उस जबान पर क्या ही बात की जाए। आपको मैंने दो चीजें बताई, एक और दिलचस्प चीज बताऊंगा आपको। इसी साल 2023 के जनवरी महीने में, जब दिल्ली के जो नए एलजी सक्सेना साहब हैं, विनय सक्सेना, तो इन्होंने एक नोटिस जारी किया दिल्ली की सरकार को, और कहा कि 97 करोड़ रुपये आपने सरकारी मद के जो पैसे हैं, सरकारी विज्ञापन के नाम पर अपने पार्टी के विज्ञापन में खर्च कर लिया, ये पैसा आप हमको 10 दिन में लौटाइए। लेकिन जैसे ही डिपार्टमेंट बैठा और डिपार्टमेंट ने पूरे जब करीने से उसको देखा, तो वो आंकड़ा भी बढ़ गया। वो आंकड़ा 163 करोड़ था, यानी सरकारी विज्ञापन के नाम पर जो पैसा सरकार की तरफ से खर्च होना चाहिए वो इन्होंने सिर्फ पार्टी के विज्ञापन पर खर्च कर लिया 163 करोड़ रुपया। और उसके लिए एलजी ने इनको नोटिस दिया कि भैया 10 दिन में ये पैसा आप पार्टी के फंड से निकाल करके सरकार को जमा करिए, जिसको लेकर के विवाद हुआ। अब आप सोचिए कि जो आदमी एक तरीके से विज्ञापन का खर्च अगर 10 साल में देखें, शीला दीक्षित की सरकार के आखिरी साल और इनकी सरकार की, इनके दूसरी कार्यकाल के चौथे साल पहुंचते पहुंचते, इन 10 सालों में अगर हम विज्ञापन का खर्च दिल्ली में देखें, तो सरकार पर तकरीबन 4,270% बढ़ा है। कहाँ 11 करोड़, कहाँ 630 करोड़। आप आकलन करिए कि किस तरीके का पैसे का दुरुपयोग ये व्यक्ति करता है। आप देखते ही होंगे दिल्ली में क्या है, हर ऑटो पे, बस पे, स्टैंड पे, यहाँ वहाँ छोटी सी घटना घटेगी तो पूरे विज्ञापन से पाट दिया जाएगा, और अपने ही लोगों को ठेके दिए जाएंगे, अपने ही लोगों को उसकी सारी, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। तो आपको देखिए, तीन मुख्य
मुद्दे हमने आपको आज बताए कि एक तो इन्होंने विज्ञापन पे खर्च कितना किया, दूसरा सरकार के पैसे पार्टी के विज्ञापन पे खर्च किया, और कई योजनाओं में तो जितने की योजना नहीं उससे कई कई गुना, अब 68 लाख की योजना के लिए 23 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च कर दिए। और ये जाकर के राजस्थान में कहते हैं कि अशोक गहलोत जिस तरीके से विज्ञापन कर रहे हैं, अगर वो 5 साल काम कर लेते तो उनको विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब झूठ, बदजबानी, ये इसकी एक सीमा होती है जो सारी सीमाएं अरविंद केजरीवाल पार कर चुके हैं। अब आप देखिए गंगानगर में पहुंच के क्या कह रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ वहां पर। एक तो इनका होमवर्क रिसर्च बेहतर नहीं होता है, कहीं जाके कुछ भी बोल देना है, अल बल बोलने में तो इनका कोई सानी नहीं है, कुछ भी बोलना है। और उस क्योंकि मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत है कि पत्थर फेंक के भाग जाओ, तो कुछ भी बोल के भाग लिया। अब वहाँ जा कर के श्रीगंगानगर में जा कर के कह रहे हैं कि यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, कभी यहाँ पिछले 5 सालों में इन्होंने कोई भी एक अस्पताल का निर्माण पूरे राज्य में नहीं किया। अरे गंगानगर में ही 300 करोड़ की लागत का अस्पताल अशोक गहलोत की सरकार ने बनाया। अब आप बताइए कि जहाँ पे गए हैं जिस शहर में, वहाँ से कम रिसर्च कर लेते कि वहाँ पे क्या परिस्थिति है। राजस्थान की सरकार पर अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि शिक्षा व्यवस्था उनकी बेहतर नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था में अशोक गहलोत की सरकार ओपीडी आईपीडी में कोई पैसा नहीं लेती है। आप रोजगार की बात करते हैं, दरअसल हकीकत यह है कि दिल्ली में अगर आरटीआई से एक आंकड़ा निकला है, आरटीआई की रिपोर्ट बताती है कि 2015 से 2023 तक सरकारी नौकरी के नाम पर दिल्ली की सरकार ने मात्र 440 नौकरियां दी हैं। आप अपनी स्थिति देख लीजिए। बोलना तो बहुत आसान है, आप बोलते जाइए। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय राजनीति में अगर झूठ बोलने की फैक्ट्री और बदजबानी की फैक्ट्री अगर कहे जाए तो राजनीति में अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और बातों के साथ और इनकी कुछ और हरकतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।